यहाँ पे इंडियंस कैसे रहते हैं, पर हमारे इंडिया की तरह यहाँ गंदगी करते हैं या तरीके से रहते हैं। अब ये पूरा आगे का जो हिस्सा है ना, पूरा लिटिल इंडिया का है। देखो हिंदी गाने चल रहे, वाह। मुझे तो देख के हैरानगी हुई, यहाँ पे डीएवी स्कूल है, आरएस मास। आपका पासपोर्ट सिंगापुर का ही है? प्राइसिंग लिखे हैं कुछ पे नहीं लिखे हुए यार। बातचीत करिए, पता चला भैया वो पीआर है उनके पास, यहाँ पीआर का भी सिस्टम होता होगा पूरा। मतलब यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया के अंदर खड़ा। एक लेबर क्लास जॉब में आपको 1.5 से 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। एक एक मूर्ति बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी लग रही है गणेश जी की। देखो इधर दालें बिक रही है और यहाँ ड्रिंक्स बिक रहे हैं, देख रहे हो क्या ही प्यारा मंदिर है। और ये देखो लड्डू पैकिंग में आ रहा है भाई। सही है, हमारे इंडिया की तरह ही है सब कुछ, यहाँ पूरा इंडिया ही बसा हुआ है। गोल्ड का रेट यहाँ का कम है, मुझे लग रहा है मैं इंडिया के किसी एक बाजार के अंदर खड़ा हूँ यार। जय हो गणेश जी, जय हो, जय हो। साउथ में जब मैंने खाया था ना डोसा वोसा, वहाँ तो सस्ता था ही था, मुझे ये नहीं पता था कि डोसा यहाँ भी सस्ता मिलने वाला है। सर देखो हर जगह तमिल गाने चल रहे थे, पर यहाँ पंजाबी गाने चल रहे। यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, आपको अगर मौसमी का जूस पीना है $2 का, लगभग 120-130 रुपए का है। और ये देखो कैसे लेने लगे हैं, ये कार्ड से इन्होंने बाय करा है। वो देखो कैसे बनाएंगे, देखते हैं हम भी ट्राई करेंगे। ये वहाँ पे लगी हुई है लिटिल इंडिया की तरफ, आपको दिखाते हैं। अब लिटिल इंडिया जो मार्केट है इंडियंस की कम्युनिटी की, यहाँ पे इंडियंस कैसे रहते हैं, इंडियन स्टोर, इंडियन खाना पीना, और हमारे इंडिया की तरह यहाँ गंदगी करते हैं या तरीके से रहते हैं, वो देखते हैं सब चीज़ें। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम गए थे संतोषा यूनिवर्सल स्टूडियो, जो कि यहाँ की फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है। लिटिल इंडिया के अंदर आते ही यहाँ पे आपको काफी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, आगे प्रॉपर इंडिया की तरह लोग भी नजर आ जाएंगे। अभी आपको यहाँ घूमने आ रहे हो तो लिटिल इंडिया के आसपास या लिटिल इंडिया के अंदर ही होटल लेना, 5-star होटल भी यहाँ मिल जाएंगे। खाना पीना आपको इंडियंस ही चाहिए तो इससे बढ़िया जगह नहीं है। बाकी देखते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज तमिल है, अब कुछ लोग हिंदी समझते हैं, कुछ लोग हिंदी नहीं समझते हैं, क्योंकि शुरू से बाय बॉर्न यहीं पे हैं तो इंग्लिश बोल लेते हैं या फिर तमिल बोलते हैं, हिंदी बहुत कम ही लोग बोलते हैं। तो देखते हैं भाई क्या रहता है, कोई अपना घर दिखाता है तो किसी के घर भी देखेंगे लोग कैसे रहते हैं। बाकी एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ का लिटिल इंडिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा रंग बिरंगा ज़बरदस्त। ये देखो आपको लैंग्वेज से पता चल गया होगा भैया हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जितनी बिल्डिंग है ऐसे डबल स्टोरी ओल्ड स्टाइल में बनी हुई है यार। भाई 2 सेकंड रह गए, अब तो लेट हो गए हैं। यहाँ क्रॉस करना है तो इसको दबाना पड़ता है। अब ये पूरा आगे का जो हिस्सा है ना पूरा, ये पूरा लिटिल इंडिया का है और सारी दुकानें आपको नज़र आ जाएंगी। देखो इंडियन फूड तो यहाँ मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडियन रिलेटेड हर एक सामान, जूते चप्पल जो इंडिया में मिलता है ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। तो ये देखो सारा सामान, ये सारा सामान इंडिया से ही आता है, ये कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। लगभग मैं बता दूं 5-6 लाख लोगों की यहाँ पे सिंगापुर के अंदर पॉपुलेशन है, और टोटल पॉपुलेशन जो सिंगापुर की है लगभग 60 लाख के आसपास है। मैं तो सोच रहा था जूते चप्पल है, यहाँ सब कुछ मिक्स मिल रहा है। सुबह मैंने ब्रश खरीदा था मुस्तफा से, वो मुझे पड़ा था 3 का कॉम्बो 130 रुपये का। देखो हिंदी गाने चल रहे, वाह मेरे, वाह भाई कॉपीराइट आ जाएगा। सही है जी भाई, यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, इवन आपको फोन वगैरह से रिलेटेड कोई सामान लेना वो भी मिल जाएगा। तो ये देखो ये लीड है $2 की, 120 रुपए की यार। सही है यार, मतलब इन्होंने प्राइसिंग भी इंडिया के हिसाब से रखे हुए हैं, हर एक चीज यहाँ मिल जाएगी। ये देखो कंबल मिल रहा है $70 का, ये नेक बैंड वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो लेडीज वगैरह का सामान सारा इस तरह से मिलता है यहाँ पे। मैं आपको सब बताऊँ तो पानी की बॉटल जैसे ये वाली है, बाहर से लोगे तो बहुत ज्यादा महंगी है, यहाँ ये है आपकी $1.5 की, ये भी महंगी है भाई 100 रुपए की, सिंगापुर है भाई। ये देखो चाय पत्ती कॉफ़ी वगैरह, ये देखो सॉक्स का जोड़ा 3 का 3.4 का कितना होगा, 200-250 रुपये का। ठीक है यार, मुझे वैसे तो ई सिम लेना था पर मैं सोचा 2-3 दिन के लिए क्या ही सिम लिया जाए। ये देखो यार इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ इस तरह से भर भर के इतने बड़े बड़े इंडियन रेस्टोरेंट हैं, यहाँ डोसा वोसा इंडियन गोलगप्पे बोलगप्पे सब कुछ मिलता है यार। अगर आप किसी भी कंट्री में चले आओगे वहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी जरूर होगी इंडियंस की, वैसे ये कम्युनिटी है पर यहाँ की कम्युनिटी लीगलाइज है, 4 लैंग्वेज है सिंगापुर की, जिसमें से एक तमिल इंडियन भी रजिस्टर्ड है। दुनिया भर के यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, पर मेरे को करेंसी एक्सचेंज यहाँ का समझ नहीं आया रेट यार। और ये देखो वही संतरे की मशीन $2 वाली, और ये देखो ये पूरी दुकानें अब इंडियन स्टाइल में नज़र आएंगी, दुकानों के बाहर भी सामान लगा होगा जैसे हमारे यहाँ लगता है यार। ये चाइनीज़ वॉचेज़ वगैरह मिल रही हैं, सही है। और मनी एक्सचेंज शॉप भी आपको सारी जगह मिल जाएंगी। अपने बैग की जिप भी ख़राब होगी, अगर कोई ऐसी दुकान मिलेगी तो बैग की जिप भी ठीक कराएंगे। ये है मुस्तफ़ा स्टोर, इसकी बात कर रहा था, यहाँ से लेकर टिल ये गली वो अगली गली उससे अगली गली, 3 ऐसे बड़े बड़े स्टोर सारे कवर करके ये मुस्तफ़ा स्टोर बना हुआ है। A to Z सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे, और इस तरह से दुकानें मिल जाएंगी इंडियंस की। हेलो सर,
हिंदी समझ आता है आपको? नहीं आता, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे मतलब इंडियंस ही हैं पर हिंदी नहीं समझते कहीं, क्योंकि तमिल लोग हैं, शायद समझते भी हो तो शायद रिस्पॉन्स नहीं देते। पर ये सारे घर अंदर घर भी सारे उन लोगों के ही हैं। अब देखते हैं, कोई अगर कहेगा भैया दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या सिस्टम रहता है। इस तरह से शॉप्स हैं सारी और सारे इंडियंस की हैं। ये शॉपिंग बहुत करते हैं लोग यहाँ पे, इस तरह से रहता है पूरा। ज्वेलरी वगैरह भी रहता है, गोल्ड की आइटम्स बहुत रहती हैं। पता नहीं, शायद गोल्ड सस्ता है यहाँ पे, मे बी। ब्रदर आप हिंदी समझते हो? कहाँ से हो? कोलकाता से हो? तो यहीं के लोकल हो या कोलकाता से जॉब करने आए हो? जॉब करने के लिए आए हो। तो यहाँ कितना टाइम हो गया सिंगापुर में? एक साल हो गया। तो यहाँ जो लोकल लोग हैं, तमिल लोग हैं, वो यहीं आसपास ही रहते हैं? घर कहाँ है उन लोगों के? आसपास ही हैं। सॉरी यार, तुम लोग एक तुम्हें काम करता डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो सही चल रहा है जॉब? रेस्टोरेंट वगैरह में क्या कर रहे हो? यहाँ पे वेटर सर्विस और इस तरह से खाने के रेस्टोरेंट खूब सारे मिल जाते हैं। चलो यार, थैंक यू यार, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो यार मैं कहूँगा इसी साइड इसी जगह रुकना। ये देखो मालाबार गोल्ड डायमंड इंडियन स्टोर, तनिक शुगर, सारे स्टोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। गोल्ड का रेट का मुझे आइडिया नहीं है। डीएवी हिंदी स्कूल, लो भाई डीएवी हिंदी स्कूल भी है यहाँ पे, ये देखो। वाह जी वाह, मुझे तो देख के हैरानगी हुई। यहाँ पे डीएवी स्कूल है, आर एस मास पब्लिक स्कूल, एक टाइम पहले हम भी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। वाह जी वाह, अंदर जाना तो अलाउ नहीं होगा। देखो जी, सही है यार स्कूल, अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप का स्कूल है। इंडियन लोगों के पोस्टर भी लगे हुए हैं भैया, बढ़िया है बढ़िया है। तो काफ़ी फॉरनर्स भी, इंडियन जो खाना पसंद करते हैं ना, वो भी यहीं आके रुकते हैं इसी साइड ही। बाकी शाम का नज़ारा यहाँ का अलग ही होता है, शाम को दिखाएंगे। ये टूरिस्ट बस है यहाँ की, सिम कार्ड मिल जाएगा यहाँ पे, $10 का है 30 दिन के लिए। पूरे दुनिया में सस्ता, $10 100 GB, $10 100 GB भाई, वाकई में $10 100 GB है। दिस इज ई सिम और नॉर्मल? सिंगल सिम है। ई सिम के लिए क्या है? ई सिम में $12 है, $12 है, वो भी 100 GB है। तो कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। 15 दिन, वो 15 दिन क्यों है? तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ सिंगापुर में? 20 साल हो गए। आपका घर कहाँ है? यहाँ आसपास ही है, ऊपर है। आपका पासपोर्ट सिंगापुर का ही है? तो थोड़ा मैं आपका व्लॉग में ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? यूट्यूब पे। तो भाई इनकी शॉप है और यहाँ पे मोबाइल वगैरह से रिलेटेड आपको सारा सामान मिल जाता है। तो बेसिकली वैसे मैं देख रहा था यहाँ पे इंडियंस की लाइफ कैसी है यहाँ पे, मतलब लाइफ अच्छी है? आप तो शुरू से सेटल हैं, पासपोर्ट आपका सिंगापुर का ही है, बहुत अच्छा है। किसी इंडियन का घर देख सकते हैं यहाँ पे कैसे रहते हैं? घर देख सकते हैं किसी इंडियन का यहाँ पे कैसे रहते हैं? घर जो लोग यहाँ रहते हैं, जैसे आउटर है, ये लिटिल इंडिया के अंदर नहीं रहते, ये पूरी मार्केट है, पीछे की तरफ रहते हैं, महंगा है यहाँ पे, तो यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ बिजनेस के लिए आते हैं, रहते हैं। कोई सिम, मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी, केजरीवाल तो बेचारे के पता तो है, मजे ले रहे हो आप तो। यार यहाँ पे आपको ये वॉचेस वगैरह मिल जाएंगी, ये कितने कितने का रहता है सारा? $40-$30 का, कितना? $8 से। ये इनका कार्ड है, मैं कहा भैया लग गया छोटी सी प्रमोशन कर ही देते हैं। ये देख सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। ये मुस्तफा स्टोर के जस्ट सामने ही है। चाय मैंने अवॉइड कर रखी है, कोई गैस कर देता, मैं आजकल कॉफी पीता हूँ वैसे। कॉफी भी ले जाना। नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा मेहमान आते हैं तो हम चाय पिलाते हैं। ओके, आप ब्लॉगर उसके लिए हम पिलाते हैं, नहीं पिलाते। यहाँ पे सिंगापुर में आईफोन सस्ता महंगा है? जैसे अभी तो वैसे 16 आने वाला है, अभी 15 का क्या रेट होगा? 1500 प्रो, प्रो मैक्स, प्रो $50 का फर्क है। और कुछ दिन रह गए हैं, लॉन्च होगा फिर प्राइस एकदम से और गिर जाएगा। थैंक यू सर। तो भाई लिटिल इंडिया एक बिजनेस सिटी हो चुकी है, तो भैया जितने लोग हैं वो सब बाहर जा चुके हैं यहाँ। वैसे देखा जाए तो सिम कार्ड ज्यादा महंगा नहीं है, जिस तरह से सिंगापुर महंगा है उस तरह से चीजें महंगी नहीं है। वियतनाम में देखा था इस तरह का काला केबल। टमाटर है 3.8, 250-300 रुपए के, सही है यार। भिंडी का रेट नहीं लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं कुछ पे लिखे हुए हैं। ये देखो इंडियन कैबेज भाई, ये महंगी है। नींबू का रेट पता नहीं, ये पता नहीं, बहुत सारी सब्जी हैं, प्राइसिंग लिखे हैं कुछ पे, कुछ पे नहीं लिखे हुए यार। लहसुन का साइज देखो यार, देख रहे हो लहसुन कितना बड़ा है, ये अपने यहाँ तो मिलता भी नहीं है, बहुत कम नज़र आता है। ये अरबी है, अदरक का साइज देखो यार, अदरक देख रहे हो। ये प्याज देखो यहाँ के, कैसे पता चलेगा प्राइस? मेरे को लेना नहीं है, मेरे को तो पता करना है। जैसे अदरक कैसे है? 650
पर किलो, फिर तो सस्ता है, 350-400 रुपए किलो सिंगापुर के हिसाब से सस्ता है। आलू वगैरह चीज़ें मतलब सारी मिल जाती हैं, और यहाँ भी हमारे इंडिया की तरह चिपकली हैं, दीवारों पर चिपकी नज़र आती हैं भाई। मुझे लग रहा था यहाँ नहीं होती है, पर यहाँ है, सामान सारा मिलता है यहाँ पे। तो किसी को कुछ लेना होता है तो प्राइस तो किसी पे लिखा नहीं है, तो कैसे पता चलता है, पूछना पड़ता है कि यहाँ पे यू आर लोकल तमिल सिंगापुरी? नो, आई एम इंडियन, तमिल, साउथ इंडियन। साउथ इंडियन, यू आर वर्किंग हियर और यू वर्किंग हियर और नॉट अ सिटीजन ऑफ सिंगापुर? ओह, हाउ मच यू गेट? नहीं बता सकते। हाउ लॉन्ग यू आर इन सिंगापुर? Just 6 months. 6 months. Thank you, brother. Thank you. सोच रहा था भैया बंदा लोकल है यार, वो भी जॉब के लिए आए हुए, बहुत सारे लोग आते हैं, पर जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो भैया बहुत पैसे वाले हो रखे हैं। तो ये है कि ऑल ओवर सब सामान इंडिया से आता है और सामान सब मिल जाता है। हाँ जी आंटी, क्या कह रहे हैं? नहीं मैं तो बस देख रहा था यहाँ पे, वहाँ सब्जियाँ मिल रही थी, यहाँ आम मिल रहा है। कैसे आम? $10.90 भाई, महंगा है, 650-700 रुपये किलो है आम भाई। आम महंगा है, आम वाकई में फलों का राजा है भाई। पूरा ए टू जेड आपको यहाँ पे मंदिर, दुकानें, सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे। तो सब चीज़ें दिखाएंगे, इंडियंस का सिस्टम क्या रहता है, लोकल यहाँ पे किस तरह से यहाँ काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको ए टू जेड सारा सामान मिल जाएगा। मुस्तफा रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया, पर फिर भी आपको दिखा देंगे कुछ ना कुछ, ए टू जेड सारा चीज़ें यहाँ मिलती हैं। फिलहाल चलते हैं, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं अपने लिए। ये ऊपर ड्रिंक्स सेक्शन में यहाँ से कुछ पीने वीने का ले लेते हैं यार, और पानी तो अपने यहाँ है, मैं थोड़ा जूस वगैरह ले लेते हैं यार। यहाँ का एसी बड़ा मस्त है यार, और खाने खुने को ब्रेकफास्ट ना, सच बता रहा हूँ, अपने अपना हॉस्टल जो है ना भाई, वैसे तो बढ़िया है, पर ब्रेकफास्ट इतना बकवास पूछो मत, मतलब इतना बकवास इसलिए कहूँगा क्योंकि कुछ है ही नहीं ब्रेकफास्ट। वो दो कुकीज रखे हुए हैं, कह रहे ये खा लो और चाय का एक पाउच लो ले लो यार, ये क्या बात हुई यार। मैं सोच रहा था ब्रेकफास्ट में कम से कम ब्रेड टोस्ट वगैरह कुछ तो देंगे, कुछ भी नहीं। तो ब्रेकफास्ट के मतलब पे जीरो है, वैसे हॉस्टल ठीक है यार। यार अमूल तो काफ़ी सस्ता है भाई, हाफ के जी है आपका $5.6, सिमिलर टू इंडिया हो गया, सही है यार, एक एक डॉलर में यहाँ मिल रहा है। बाहर यही चीज़ें बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है, अगर आप आओ तो यहाँ से शॉपिंग कर लेना। बाकी मुझे चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा, मुझे पल्पी ऑरेंज लेना था और कप नूडल लेना था, वो दिख ही नहीं रहे। बाकी इस तरह से पूरी पैकिंग है, और रीज़नेबल है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है यार, $1.2, $65 से डॉलर है इनका भाई, करेंसी की वैल्यू इतनी है, ध्यान रखना। देखना कितनी खूबसूरत सब्जी है, अंडे की ट्रे मिल रही है, ये है 8 अंडे 3.7 के, ये तो महंगे अंडे महंगे यार, बड़ी ट्रे है $8.50 की। चिकन पिकन सब मिल रहा है भाई, मुझे तो कुछ और मिला नहीं, पर्पी ऑरेंज की 1.5 लीटर की बोतल मिली है, वही ले ली है। मुझे वैसे वो चाहिए थे कप नूडल्स, पर वो दूसरे बिल्डिंग में पीछे वाले, वहाँ जाने का पॉसिबल है नहीं, तो निकलते बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को आएंगे यहाँ पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोबारा से शुरुआत करते हैं लिटिल इंडिया के अंदर पढ़ते हुए। कुछ शॉप्स ना बीच में चाइनीज है, टेस्टिक कॉर्नर इंडियन रेस्टोरेंट है भाई। अब देखो सारे ही यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन खाने की दुकानें, और रेस्टोरेंट के साथ साथ आपको होटल, लोग सब नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो घर है ना वो इस तरह के हैं, ये देखो डबल स्टोरी भाई, ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, वो नहीं है। हेलो ब्रदर, यू आर लोकल? बांग्लादेश के हो? कब से हो यहाँ पे? 11 साल से, पासपोर्ट कहाँ का है? बांग्लादेश का, 11 साल से यहाँ हो। ये सबसे पहले बाहर, अरे लिक्कर विक्कर भी सब मिलता है यहाँ पे, और यहाँ खाने के लिए नारियल, देखो इंडियन वाला स्टाइल है पूरा पूरा। खाने पीने की दुकान तो लगी है, पर इंडिया वाले नहीं सुधरते ना भैया, खाने की चीज़ें आती बाहर लगा देते हैं। ये भी खाने का है, साउथ का। हेलो ब्रदर, हाँ भैया, अभी भूख नहीं है यार, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ खाने का, शाम को देखेंगे। आप कहाँ से हो? राजस्थान बीकानेर। एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक इंडियन लड़का यहाँ पे जॉब कर रहा है। ये मुस्तफा सेंटर, जैसे कि पता है काफ़ी बड़ा है, और इन्होंने देखो क्या खास की बात करी है, ये सड़क है और उस साइड भी मुस्तफ़ा का स्टोर है, इस साइड भी, और इन्होंने क्या इंटरलिंक कर दिया। ऐसे जनरली रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते, पर इन्होंने कर दिया भाई। इंडिया वाले ना कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। और भाई यहाँ पे दुनिया भर की जो दुकानें हैं, दुनिया भर की, ये है आपका लिटिल इंडिया। और बकायदा ये नहीं है, मैं आपको भी और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मंदिर, दुकानें, मतलब बकायदा वो माहौल है जो हमारे इंडिया वाला माहौल होता है ना, वो प्रॉपर माहौल मिलने वाला है यहाँ। भैया सिंगापुर को एक तरफ रख दो, क्योंकि बाहर जो चीज़ यहाँ पे $5-6 की मिलने वाली है, वही चीज़ आपको आधे से भी आधे रेट में यहाँ मिलने वाली है लिटिल इंडिया के अंदर। लास्ट टाइम मैं आया था, हम यहाँ रुके थे फैमिली के साथ, खाने पीने का सामान यहाँ से लिया, वहाँ ले गए। पर सच बताऊँ तो इतने छोटे छोटे रूम होते हैं यहाँ पे 3 स्टार के, पूछो मत। ऊपर से पानी के लिए वो भी लगाया हुआ था, पर अभी हम यहाँ रुके हुए, वहाँ पे तो जेट है,
पर यहाँ पे जेट भी नहीं था, बड़े परेशान हो गए थे। अभी कुछ स्टूडेंट्स बच्चे मिले, मैं क्या मैं पूछूं इनसे, बातचीत करी और बातचीत करके पता चला भैया वो पीआर है उनके पास, यहाँ पीआर का भी सिस्टम होता होगा। बाकी ये लड़के हैं, हेलो तो कर सकते हो। ओके बाय गाइस। तो भाई चलो, थोड़ा सा एक्चुअली रूल रेगुलेशन सिंगापुर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है फिलहाल, वो सारे रूल रेगुलेशन ना यहाँ अप्लाई नहीं होते लिटिल इंडिया में, क्योंकि लिटिल इंडिया में कुछ भी चलता है। ये देखो रोड के ऊपर हम ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, अदरवाइज यही अगर बाहर की तरफ होंगे ना तो भैया क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ से उसके ऊपर से जाना पड़ता है। इवन यकीन नहीं मानोगे अभी मैं क्रॉस करके आया हूँ, पूरी सड़क घूम के आया हूँ। और ये देखो इस तरह से इंडियन रेस्टोरेंट जगह जगह मिल जाएंगे। अल्कोहल बैन है, मतलब बैन मतलब आप सड़क पर नहीं पी सकते थाईलैंड वाईलैंड की तरह, बाकी तो सब कुछ ठीक है। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है, मैंने आते ही पहले वहाँ खाना खाया था और उस बंदे ने मेरे को मतलब देवजूल में मतलब थोड़ा सा मोटा बिल बना दिया था, बनना नहीं चाहिए था, पर चलो। इस तरह से लोकल शॉप है हमारे इंडिया की तरह। हेलो, यहाँ देखो इस तरह से सारा सामान मिल जाएगा। नेम आपका हिंदी समझते हैं? नहीं समझते हैं। योर गुड नेम? समीमा। ओके, यू आर सिंगापुरी पासपोर्ट होल्डर? और देखो इस तरह से हमारे इंडिया की तरह शॉप मिल जाती हैं भाई, पूरा मतलब यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया के अंदर खड़ा हूँ सच में। यू आर फ्रॉम इन इंडिया? केरला? नो, तमिलनाडु। ओके, नाउ नाउ वेयर योर होम? इन बैक साइड और एनी नियर बाय? बैक साइड। कैन आई सी योर होम? नो भाई, मुझे किसी लोकल का इंडियन का घर देखना था, पर वो अभी तक मेरे को लग नहीं रहा कि देख पाऊंगा, पर देखते हैं चलो। बाकी सारे शॉप है खाने पीने की चीज़ें। और व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ योर शॉप? 24 आवर्स। यहाँ पे हर शॉप में 24 आवर खुली रहती है, ये सब सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। हाउ यू मैनेज 24 आवर्स? Another people, family people. Okay. 24/7, 365 days. 12-11 staff go for 30 minutes break. Okay. You don't go for break. Ah, nice, nice. भाई सही है यार, मेहनत करते हैं यहाँ पे, फैमिली के लोग शिफ्ट लगाते हैं और काम करते हैं यार, बढ़िया है। और यहाँ पे चोरी चकारी का चक्कर है नहीं हमारे इंडिया में, तो फिर भी होता है। यहाँ इन्होंने बाहर भी चीज़ें लगा रखी है सेम टू सेम। अगर आप मुझे थोड़ा सा घर की झलक दिखा देते तो अच्छा लगता है, यहाँ इंडियंस कैसे रहते हैं। आई सी हाउ लिव इंडियन इन सिंगापुर। मैं क्या मतलब और भी लोग देखना चाहते हैं कि सिंगापुर में इंडिया दिल्ली यस व्हाट यू से यूट्यूबर। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। पूरा ही बाहर लगा हुआ है, थैले वैले सब चीज़ें मिलती है और इवन यहाँ सामान बहुत चीपर प्राइस पर मिलता है। कुछ लोगों को यार हिंदी नहीं आती क्योंकि तमिल तेलुगु साइड स्टाइल से हैं, तेलुगु जगह से हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए मैं शाम को निकलना चाह रहा था। शाम को ना लाइटिंग वाइटिंग सा माहौल हो जाता है। इवन मैं अभी आपको जो आगे दिखाने वाला हूँ ना, वहाँ का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मंदिर वगैरह, फूलों की दुकानें और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, तो उसका ही मज़ा अलग है। और मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ जो कम्युनिटी है इंडियंस की वो है लगभग 5-6 लाख, यानी 10% कम्युनिटी जो है ना इंडियंस की है यहाँ पे। ये देखो ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है, और इस तरह से देखो हमारे इंडिया की तरह दुकानें यहाँ भी मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें भूल गए हो तो डेफिनेटली आपको सारा सामान यहाँ मिल जाएगा। हेलो हेलो जी, हेलो। ऑल सामान कमिंग फ्रॉम इंडिया? फ्रॉम मलेशिया? ओके, ये सामान सारा मलेशिया से आता है, मुझे लगा इंडिया से आता है। यू आर फ्रॉम सिंगापुर? इंडिया। यू आर वर्किंग हियर? यू आर कमिंग फ्रॉम बाय एजेंट? यहाँ पे मतलब आपको बस एक लेबर क्लास जॉब में आपको 1.25 लाख रुपए मिल रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना। ये देखो सड़कों पे सामान लगा हुआ है $2.5 के किलो। इस तरह से खाने की दुकान है, नारियल वारियल मिल रहा है, ये नारियल है ये $2 का, सही है यार, 20-130 रुपये का। यहाँ की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर और लगभग इस वक्त 65 रुपये का रेट है। लास्ट टाइम आया था 2019 में, बहुत टाइम हो चुका है, तब तक 52 रुपीज़। पर अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ की करेंसी की वैल्यू देखो कितनी बढ़ गई है, और हमारे इंडिया की करेंसी की वैल्यू फेल, समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ गड़बड़ है यार। तो पूरा एक इंडिया बसा हुआ है यहाँ पे। कोशिश करेंगे कोई इंडियन लेके चलेगा अपने घर, तो वो भी दिखा देंगे आपको कैसे रहते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। ये अपार्टमेंट सोसाइटी है, शायद कुछ इंडियंस वगैरह रहते हो यहाँ पे मे बी। हमारे इंडिया की तरह फोटो स्टेट की दुकान और प्रिंटिंग की दुकान ये देखो बनी हुई है, दिख रहे हो, पासपोर्ट कॉपी ये सब की दुकानें भी हैं यहाँ पे। तो चलो उस साइड से होते चलते, काफ़ी बड़ा लिटिल इंडिया में फैला हुआ है। पर अभी क्या है, ज़्यादातर इंडियंस का क्या सिस्टम हो रखा है कि भाई अब यहाँ से बाहर रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, ऐसा भी हो चुका है। और ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का, और यहाँ की ये लोकल पुलिस कार्स हैं, देखो ऐसी सिंगापुर की पुलिस गाड़ियाँ, पुलिस वालों का ऐसी गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ भी सेम मुस्तफ़ा की तरह एक स्टोर है, और ऐसे बहुत सारे स्टोर हैं जहाँ पे आपको सारा सामान मिलता है। बड़े स्टोर तो है ही हैं, छोटी छोटी दुकानों के लिए कोई हर बंदा वहाँ जाके ढूंढना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ आपको मिल जाएगा मंदिर। ओ देखो क्या बात है, और बहुत ही खूबसूरत मूर्तिज हैं यहाँ पे,
ओह माय गॉड, मतलब एक एक मूर्ति बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी लग रही है। गणेश जी की और भोले भगवान की, सारा कितना खूबसूरत लग रहा है यार सच्ची में। मुर्गन जी, वाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये मुझे भोले शंकर जी का अवतार है, पर है कौन मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, आप कमेंट करके बताना। बाकी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर, देख रहे हो यहाँ मंदिर तो था, मतलब मुझे मालूम है एक और बहुत बड़ा मंदिर आगे भी है, पर ये मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख रहे हो क्या ही खूबसूरत है। ये देखो जी, इस तरह से हमारे इंडिया की तरह दुकानें बाहर, मतलब आप नोटिस करोगे तो भैया यहाँ पे इंडियन पता चल जाते हैं कि इंडियन की शॉप्स ऐसे होती हैं। ये भी फूड रेस्टोरेंट का है और बहुत बहुत इंडियंस आते हैं बहुत। देखो इधर दालें बिक रही हैं, हेलो हाय, और यहाँ ड्रिंक्स बिक रहे हैं, लाइसेंस फॉर दिस सेल। और ये देखो लड्डू पैकिंग में आ रहा है भाई, ये देखो यार ये सही है, मिठाई पैकिंग में है, शायद ये प्रसाद वरसाद का सिस्टम है। सैलून शॉप भी है भाई यहाँ पे, हेयर कट होता है $8 का, चाइल्ड कट $60 का, सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट है $60 का। सही है, हमारे इंडिया की तरह ये सब कुछ, यहाँ पूरा इंडिया ही बसा हुआ है, यू अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट, और साउथ के गाने चल रहे हैं। ये सही है यार, 450 रुपए का हेयर कट है भाई, सिंगापुर है भाई। वैसे मैंने बड़े स्टोर में देखा, चाइनीज वाले में देख रहा था, वहाँ का प्राइस और ज्यादा है भाई। अरे ये हॉन्टेड सा क्या बना रखा है भाई, पूरा लकड़ी का बना रखा है भाई। और यहाँ आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ये वो कपड़े वपड़े सब मिल जाते हैं, एक पीस $4 का, तीन पीस $10 के टी शर्ट्स। बैग की जिप खराब हो गई है, वो ठीक करानी है, वो पता करते हैं कहाँ है। कितना खूबसूरत टेम्पल है, देख रहे हो, अभी चलते हैं वो भी देखते हैं। दिस एनी नियर बाय, ओके। देखो $10 की पर कॉपी है, पर सही है यार, $10-$10 का सामान मिल रहा है। लूज हो गया था क्या, मतलब वो टाइट करा आपने? $1 यहाँ पे टेम्पर वेम्पर का भी सामान होता है, इस तरह से खाने की दुकानें, ये चाइनीज आइटम आइटम, हमारे इंडियन स्टाइल में तो आधा सामान तो घिरा हुआ है। बाकी ये कि ठीक है यार, खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है। ये वर्किंग है, वर्किंग कहाँ से हो आप? पंजाब से। पंजाब से हो, चलो मेरे भाई थैंक यू यार। आप भी पंजाब से, आप तो तमिल बोल रहे हो मेरे ख्याल से, बोल रहे हैं। अरे क्या बात है, सही है यार, चार नेल पॉलिश $10 की, सही है, एक एक डॉलर में ये पैकेट मिल रहा है चॉकलेट कैंडीज का। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, देख रहे हो क्या ही प्यारा मंदिर है, दुनिया भर के खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। वाह, पता ही है कि जो ऊपर काम हो रखा है, इतना जबरदस्त हो रखा होता ना, यहाँ जूते चप्पल चोरी होते तो नहीं होंगे। तो अभी एक काम करेंगे, थोड़ी देर में आते हैं, मंदिर में भीड़ बहुत है, थोड़ा खाली हो जाएगा फिर आएंगे आराम से। ये देखो काफी प्यारा मंदिर है यार, और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स भी बहुत सारी है, ज्वेलरी शॉप में देख रहा हूँ ज्यादा चाइनीज लोगों की है, मे भी शायद लिखा हुआ है प्राइस, ये देखो ये लिखा हुआ है 22 कैरेट 102.60 और 24 कैरेट $111 का। ये हमारे इंडिया की तरह यहाँ भी सारा सामान आपको मिल जाएगा, ऐसे कपड़े वगैरह शादियों के, देखो ये तो दुकान यहाँ तक है, बाहर भी इस तरह से लगे हुए हैं यार। और ये देखो मालाबार वालों का, आपको ऐसे पता तमिल वाले लोग ना ज्वेलरी ज़्यादा पहनते हैं, तो यहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े स्टोर्स खुले हुए हैं। अनिल कपूर जी क्या हाल चाल है जी, सैलून, और यहाँ का रेट देखो हेयर कट का है $15, वहाँ $60 का। गोल्ड का रेट यहाँ का कम है, प्योर गोल्ड $109 का और $100 का। अब इंडियन रेट का मुझे आइडिया नहीं है यार, सारा ही गोल्ड 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 भाई, मुझे सोने का रेट समझ नहीं आया, किसी का कोई प्राइस, किसी का कोई प्राइस, सारा ये डबल स्टोरी बना हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ से लिटर इंडिया आप देखोगे ना, नज़र मारोगे तो बहुत ही खूबसूरत है यार। फॉरनर्स इसमें थोड़े बहुत नज़र आने वाले हैं, अदरवाइज सारे ही आपको इंडियंस नज़र आने वाले हैं यहाँ पे। अब घर कोई दिखाता नहीं यार, क्या ही बोलूँ यार। और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे खाने पीने का है, यहाँ पे आपको साड़ी सूट वगैरह हर एक चीज़ जो इंडियंस पहनते ना वो सब यहाँ मिल जाता है। और ये भी लिटिल इंडिया का ही एक पार्ट है, स्टार्टिंग में पड़ता है और काफ़ी बड़ी मार्केट सी है, आप शौक हो जाओगे, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाने वाला हूँ भाई। ये देखो यार, ऐसा लगेगा कि इंडिया के अंदर आ गए, और प्राइसिंग बहुत रीजनेबल है भाई, $14-$15 में यहाँ पे आपको सूट्स मिल रहे हैं, लहंगेज मिल रहे हैं यार, देख रहे हो क्या ही बात है। मुझे लग रहा है मैं इंडिया के किसी एक बाज़ार के अंदर खड़ा हूँ यार वाकई में। और ये देखो यार क्या ही बात है, पूरी मार्केट में आपको हर तरह का कपड़ा मिल जाएगा। हेलो ब्रदर, मुझे तो कैसा भी नहीं चाहिए, मेरे को मार्केट देखना था, मार्केट देख रहा हूँ। आप भी काम करते हो? हाँ जी। कहाँ से हो? कैंपरी से। दो नंबर से हो? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर डर क्यों रहे हो यार, कहाँ से हो? हिमाचल। हिमाचल से हो, चलो तबाह के पूरा इंडियन मार्केट, ऐसा लग रहा है मैं इंडिया के किसी बाजार में घूम रहा हूँ।
देखो क्या ही जबरदस्त शेरवानी वगैरह मिल रही है। और ये अच्छी खासी बड़ी मार्केट है, गाने बहुत तेज चला रखे हैं इन्होंने। और यहाँ फिश की स्मेल भी बहुत आ रही है, लोग फिश खाते हैं ना यहाँ पे। तो नीचे में पूरा बाजार है, पूरा एक वो कपड़ों का है भाई, पूरा का पूरा देख रहे हो। नीचे पूरी खाने की मार्केट है, तीन तीन चार चार डॉलर में यहाँ खाने को मिल रहा है। यहाँ बहुत भीड़ होती है, अगर आपको खाना हो ना रिजनेबल तो आप यहाँ आ जाना। खाने में दुनिया भर की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे मटन कीमा सिर्फ $4 का, पालक पनीर $4 का। इंडियन टू इंडियन बाहर के लोग भी यहीं आके खाना खा रहे हैं यार। $2 में उपमा, लिपमा, चिकन लीवर, फिश केक $1.5 का, बिरयानी बिरयानी सब मिल रहा है भाई। और इस तरह से बसेस सिंगापुर में चलती हैं। जो मैंने मेट्रो कार्ड लिया ना $5 वाला, वो इसमें भी चलता है और आपका मेट्रो में भी चलता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे, हर एक चीज़ 24 आवर्स, हर चीज़ 24 घंटे ओपन है। 24 घंटे मतलब समझ सकते हो ना कितना सेफ होगा ये, चोरी चकारी का मतलब ही नहीं भाई। इस तरह से फ्रूट की शॉप लगी हुई है, आम बहुत महंगे यार, बाकी ठीक है। $1 पर केले मिल रहे हैं, सड़े सड़े से फूल वूल मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मंदिर के लिए सामान सामून मिल रहा है यार, सही है यार, ये चीज़ तो अच्छा है। यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी मूर्ति मिलती हैं। और हमारे गणेश जी मिल जाएंगे, जय हो गणेश जी, जय हो जय हो। देख रहे हो क्या ही जबरदस्त गणेश जी को, यहाँ पे बहुत उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं लोग गणेश जी को, ऐसा ही लग रहा मुझे। सर देखो हर जगह तमिल गाने चल रहे थे पर यहाँ पंजाबी गाने चल रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आया ऐसे कैसे। समोसे पकौड़े शकौड़े मिल रहे हैं और गोलगप्पे ही मिल रहे हैं यहाँ पे, वैसे तो मुझे नहीं खाने। और ये कोई इंडियन हेरिटेज कोई वो बना हुआ है, बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग है। और आसपास दुनिया भर की दुकानें हैं, इन चीज़ों को देख के लग ही नहीं रहा कि मैं सिंगापुर में हूँ यार। यहाँ घूम रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है यार। साउथ का जो एक्टर है, क्या नाम है इसका, पोस्टर पर इसकी फोटो लगा रखी है भाई। पर ये एक चीज़ नोटिस करी है, पर ये सामान तो लगाया, साफ़ सफाई पूरी रखी हुई है, गंदगी बिल्कुल नहीं करी हुई। यही चीज़ अगर हमारे इंडिया वाले भी कर लें, अपने घर के अलावा सड़कें भी साफ़ कर लें, तो अपने आप ही पूरा इंडिया साफ़ सुथरा हो जाएगा यार। बहुत ही प्यारे प्यारे घर, बहुत ही प्यारी प्यारी गलियाँ, ये है लिटिल इंडिया। लोगों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई मुझे अपना घर दिखा दे यार, पर मुझे लग नहीं रहा कि कोई अपना घर दिखाने वाला, खासकर जब अपने काम पर लगे हुए हैं सभी। तो कहाँ से घुमाएंगे और कहाँ से दिखाएंगे, पूरे इंडियन स्टाइल में सब्जियाँ वब्जियाँ बिक रही हैं यार, देख रहे हो। ये देखो पर सब्जियाँ बहुत फ्रेश बढ़िया वाली, देख रहे हो ना, ये पूरी स्ट्रीट चहल पहल मार्केट पूरी लगी हुई है फर्स्ट क्लास। और मोबाइल सिम वगैरह अगर आपको लेना हो, मैं आपको दोबारा बता दूं, तो यहीं से आकर लेना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप एयरपोर्ट पे लेते हो $20 में जो चीज़ मिलती है, वही यहाँ $10 मिलती है, आधो आध का फ़र्क है। 200 GB मिल रहा है 30 दिन के लिए $15 में यार, ये देख रहे हो। यहाँ चिकन शॉप है, मीट शॉप है। हाउ मच द प्राइस ऑफ चिकन, नॉर्मल चिकन $10, नॉर्मल चिकन $10, चिकन मुझे यहाँ पे है 600-650 रुपये किलो। केक वेक मिल रहा है यार, और यहाँ हर जगह आपको साउथ के बढ़िया बढ़िया गाने चलते हुए मिल जाएंगे। मेरे को समझ तो कोई नहीं आ रहा, बस ये कि साउथ की जो थीम है ना वो बहुत बढ़िया है। बैठने का कितना बढ़िया हिसाब था बना रखा है इन्होंने यार, कार्ड से ही डायरेक्टली शॉपिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा खर्चा मतलब उस तरह से नहीं कर रहा। करेंसी मैंने निकाली थी $40, जो कि मेरे थोड़े बहुत लगे हैं। मैंने एक मेट्रो कार्ड बनवाया, आपको मैं दोबारा बता दूँगा, अगर आप आ रहे हो ट्रैवल कर रहे हो सिंगापुर में तो एक ट्रैवल कार्ड मिलता है, मेरे हिसाब से लेना वर्थ नहीं है। $48 का है, 3 दिन के लिए अनलिमिटेड मेट्रो और बस की राइड कर सकते हो, मतलब आपको लगातार घूमना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर है आप मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, $10 का मेट्रो कार्ड बनता है जिसमें $5 उसके अंदर मिलेंगे, उसको बाद में रिफिल कर लेना। दोनों जगह चलता है, आपका बस में भी चलता है उसमें भी चलता है। सो गाइस मैं अभी आया हूँ, एक्चुअली जनरली मैं साउथ में जब मैंने खाया था ना डोसा वोसा, वहाँ तो सस्ता था ही था, मुझे ये नहीं पता था कि डोसा यहाँ भी सस्ता मिलने वाला है एज़ कम्पेयर। तो अभी मैंने भाई से पूछा मसाला डोसा बताओ भाई कितने का, यहाँ बताया गया $2.5 का मसाला डोसा, तो नॉट बैड यार, तो खाना चाहिए फिर खा लेते हैं। पर यहाँ पे ना दारू हर जगह शॉप पे मिलती है, जैसे गोवा में मिलती है, जैसे नेपाल में मिलती है ना, यहाँ भी आप दारू ड्रिंक कर सकते हो, सही है यार। 150 रुपये के, हाँ 150 रुपये के बराबर हुआ है, 150-160, तो प्राइसिंग सेम निकल आया भाई, कमाल हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, खा के देखते हैं, और साइज़ का पता नहीं मुझे कितना साइज़ है। और यहाँ पर कॉफ़ी भी $1 की है, चाय भी $1 की है, इवन ड्रिंक भी ठीक प्राइस में मिल रही है, बाकी देखते हैं भाई। डोसे का साइज़ तो अच्छा खासा है $2.5 में यार, मज़ा आ गया यार, मतलब इतना साइज़ है कि पेट भर जाए यार। और मसाला डोसा खाते हैं, बढ़िया मस्त, प्राइस के साथ पूरा वर्थफुल है, बाकी सब बढ़िया है, खाते हैं करते हैं बात। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। और इस सीरीज में मैं घुमाने वाला हूँ आपको 3 कंट्री, काफ़ी हेल्प मेरी तरफ से रहेगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, इसी बात पर जिंदगी छोटी थी दुनिया बहुत बढ़िया, तो भैया हंसते रहो मुस्कुराते रहो प्यार बरसाते रहो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?